नेक्स्ट इज राइमर टाइमर रिएक्शन. इसमें क्या है, फिनोल का रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ. सो इन फ्राइज रीअरेंजमेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था दैट वाज एक्सक्लूसिव पैराहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. अगर हम राइमर टाइमर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ऑर्थो. अब इसमें रिएजेंट क्या क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म एक बेस चाहिए, वी कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट स्टेप में क्या होगी, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम. सो अगर हम क्लोरोफॉर्म को सब्सिट्यूट करते हैं विद CCl4 तो यहाँ पे हमारे पास CHO नहीं, हमारे पास COH ग्रुप आएगा. सो यहाँ पे हमारे पास सैलिसाइल्डिहाइड नहीं, सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा. बट स्टोरी रिमेन सेम कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होएगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू पैराइसोमर बिकॉज ऑफ किलेशन दोनों के केस में. सो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म यूजिंग क्लोरोफॉर्म. तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ गया OH नेगेटिव, यहाँ पे है क्लोरोफॉर्म, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या बनेगा, वाटर, और यहाँ पे कार्बन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट इज स्लो स्टेप. इस स्टेप में क्या है, कार्बीन जनरेट होगी. सो Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, CCl2, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास आफ्टर शेयरिंग. बस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं कार्बीन एंड डिटेक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जो नेचर होती है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे 6 हैं, तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ये है हमारे पास फिनोक्साइड आयन. सो फिनोक्साइड आयन से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, ये बन गया CCl2, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि नॉर्मली एच पॉजिटिव आयन रिलीज होकर ऑक्सीजन के पास जाता है, इस केस में ये हाइड्रोजन कार्बन के पास आएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CHCl2. साइमल्टेनियसली जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 होने से पहले ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा एंड ऑक्सीजन विल बी कैरिंग नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, OH नेगेटिव आयन आएगा और यहाँ पे किस पोजिशन पे अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ, क्योंकि ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल रहा है तो ये पोजीशन खाली हो जाएगी और उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, OH. तो यहाँ पे क्या है, CH, पहले 2 Cl थे फिर एक रह जाएगा और साथ में आ जाएगा OH. नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमने OH नेगेटिव आयन ऐड किया, उसने इस OH के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ वाटर. सेकेंडली Cl नेगेटिव आयन निकल गया, दो चीजें रिमूव हो गई, ये रिमूव हो गया यानी कि H, ये रिमूव हो गया Cl अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है इट विल बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप. नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या हमने ऐड किया, एच पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोलिसिस परफॉर्म की, इन विच मीडियम, इन एसिडिक मीडियम. तो यहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये बन गया सैलिसाइल एल्डिहाइड. सो दिस इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो आइसोमर.